अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम ये जो कि ऑटो मशीन जो सामने पड़ी है, इसका जो पैनल है उसको रीसेट करने का तरीका बताएंगे और सेव करने का। तो दोस्तों, अगर आपने इसकी सेटिंग ख़राब कर ली हुई है तो इस पैनल की, तो आप यहाँ से अगर इसको रीसेट करना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देखें, आपका जो मसला है वो हल हो जाएगा। तो दोस्तों, आप यहाँ पर जो मशीन चल रही है ना, ये देखें, यहाँ पर कटर भी चार्ज चल रहा है और इसका जो रोवर है वो भी चल रहा है, लेकिन ये है कि पेडल दबाने पर लगातार मशीन चल भी नहीं रही है। पेडल फुल नीचे है और मशीन यहाँ पे रुकी हुई है, ठीक है। तो दोस्तों, आप वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, यहाँ से आपने देखें, यहाँ पर मशीन का जो बटन है उसको ऑफ करना है। ऑफ कर दिया। ऑफ करने के बाद यहाँ पे ये देखें, ये दो निशान हैं, ये जो आपको माइनस के जो इस साइड पे जो माइनस के निशान है, यानी कि लेफ्ट साइड वाले, आपने इन दोनों को दबा के रखना है। और दबा के रखने के बाद यहाँ से मशीन का जो बटन है उसको आपने ऑन कर देना है, ठीक है। तो जब यहाँ पे P44 आ जाएगा तो आपने करना ये है कि इसको यहाँ से सेव कर देना है, और सेव करने के बाद यहाँ पे इसको छोड़ देना है, ठीक है। इसके बाद आपकी सेटिंग जो है वो यहाँ पे आ गई है। अब आपने करना ये है कि अब आपकी जो सेटिंग है वो मुकम्मल हो गई है, इसकी जो है वो पूरी हो गई है, ठीक है। तो अब हमने करना ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो मशीन है रिवर्स पे जो टंके लगाती है वो बंद कर दे, तो आपने यहाँ से इस बटन को ऑफ कर देना है। ये देखिए ऑफ हो गया, और इसको भी ऑफ कर दें, ठीक है। अब यहाँ से ये चीज़ देखें, इसका जो कटर है इसको भी ऑफ कर दें। ऑफ करने के बाद यहाँ पे ये देखें, सिर्फ सिलाई वाला ऑप्शन जो चल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों, अब इसकी सेटिंग करके यहाँ से इसको सेव कर दें, ठीक है। अब ये सेटिंग इसकी सेव हो गई है, तो अब आप इस तरह ये बिल्कुल अपनी जगह पे आ गया है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।